हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं 1 कप गेहूं के आटे और 2 एप्पल से बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और पौष्टिक रेसिपी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। आजकल के बच्चे जो हैं वो खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसीलिए हम उन्हें इस तरीके से अगर फ्रूट्स और आटा वगैरह खिलाएंगे तो वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने जो आटा लिया है, इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा, इसमें से एक खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो यहाँ पर हमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देना है, और देसी घी के साथ इसे हमें अच्छे से मसलते हुए जो है 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेना है। तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि ये अच्छी तरीके से इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर जो है लाइट ब्राउन कलर में ना हो जाए। तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूनते रहना है। देखिए, हमारा मिश्रण जो है अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है कद्दूकस करके, हमने यहाँ पर गरी ली है। साथ ही हमने जो है बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, और इन्हें हमने लंबा लंबा कट किया है। और साथ ही हमने काजू लिए हैं, इन्हें भी हमने लंबा लंबा कट किया है। यहाँ पे 6-7 इलायची के दाने हैं, जिन्हें हमने दरदरा कूट लिया है। इलायची के दाने हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमारे मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से भूनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। ये सारी कुकिंग जितनी भी हमने की है, ये सब लो फ्लेम पे की है। तो हमें ये पूरी कुकिंग, पूरा प्रोसेस जो है लो फ्लेम पे ही करना है। अभी देखिए, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हमें इस मिश्रण को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। तो इसे हम उतार लेते हैं। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, और घी को अच्छे से पिघलने देंगे। जैसे ही घी अच्छे से पिघल जाएगा, तो हमने जो 2 एप्पल लिए थे उन्हें हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें एप्पल को इस घी में डाल देना है और इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है, या फिर इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक कि एप्पल का जितना भी रस होता है या पानी होता है वो सूख ना जाए और इसमें से घी बिल्कुल अलग ना दिखने लगे। अभी देखिए, हमारा एप्पल अच्छी तरीके से भून चुका है और हमारा घी भी अलग अलग दिखने लगा है। अब हम एप्पल को भी निकाल लेंगे और इसे भी हमें ठंडा कर लेना है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं, और इस एप्पल को भी हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है। आप एप्पल भूनते समय ये ध्यान रखिएगा कि एप्पल पूरी तरह से ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी या रस ना रह जाए। तो हमें इसे इतनी देर तक इसे भून लेना है। अभी हम एप्पल को निकालते हैं और इसे ठंडा करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी हमारा मिश्रण जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल ठंडा है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने एप्पल भून के रखा है, इसे डालने के बाद एप्पल भी हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है डालने से पहले। अब हमने जो है यहाँ पर ग्रेट करके 150 ग्राम गुड़ लिया है। तो गुड़ को हमें जो है अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और इसे इसमें डाल देना है। अब हमें इस मिश्रण को हाथों से अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स करना है। इसे हमें हाथों से अच्छे से मसल लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से मिश्रण जो है हमारा मिक्स हो जाए। जो भी हमने इसमें गुड़ और एप्पल डाला है वो अच्छी तरीके से हमारे मिश्रण में मिल जाए। तो इसे हमें हाथों से ही मसलना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसका जो ये टेक्सचर है इस तरीके का ना हो जाए, ये बिल्कुल जो है पाउडर की तरीके हो जाएगा, तब तक हमें इसे मसल लेना है। अभी हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। आप लड्डू अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं या छोटे बना सकते हैं, जो भी साइज़ आप रखना चाहें वो आप अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। अभी हम इन्हें लड्डू का शेप देंगे और इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से हमें लड्डू का शेप दे देना है। ये लड्डू आप 8 से 10 दिन तक आराम से बच्चों को खिला सकते हैं, बाहर रखकर ये ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आपने ज़्यादा बना लिए हैं तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक।
वैसे आप इसे थोड़ा थोड़ा ही बनाइए ताकि 8 से 10 दिन में ये लड्डू जो हैं ख़त्म हो जाएं और आप फिर से इन्हें बना सकें। देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।